हेलो फ्रेंड्स, वो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बीच में वीडियो कट हो गई थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 91 पर थे, तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91? द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ ई बाय एम, चार्ज बाय मास रेशियो। तो मैंने बताया था चार्ज बाय मास रेशियो के लिए हम ले लेते हैं ई एलिमेंट्री चार्ज और एम ले लेते हैं हम मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एम ले लेते हैं हम मास ऑफ प्रोटॉन, ई एलिमेंट्री चार्ज है। और मास तो ई हम ले लेते हैं एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, और जो हमारे पास एम होगा वो होगा मास और प्रोटॉन। ठीक है, तो ई बाय एम रेशियो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1873 टाइम्स। ठीक है, और फिर जो हमारे पास प्रोटॉन के लिए होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन अपॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई है। न्यूट्रॉन के लिए वो कितनी होगी? 0 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल होगा उसके लिए 2 टाइम्स ई अपॉन 4 टाइम्स एम टी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ई अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि चार चार मास ऑफ प्रोटॉन क्यों लिए? 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कौन प्रोवाइड करेगा? सिर्फ 2 प्रोटॉन। तो हम यहां से देख के हम बता सकते हैं कि कंपेरिजन हम बनाएंगे तो सबसे मैक्सिमम हाइएस्ट इसके लिए है, ठीक है, और लोएस्ट इसके लिए है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं लोएस्ट सबसे पहले बतानी है, तो लोएस्ट हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रॉन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ज्यादा किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की, उसके बाद किसकी? प्रोटॉन की। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, मालूम इतनी होती है, वेलोसिटी भी इतनी होती है लाइट की। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट वैल्यू, व्हिच वैल्यू इज क्लोजेस्ट to the wavelength in nanometers of a quantum of light with frequency इतना। ठीक है, तो wavelength बतानी है, तो frequency हमें पता है wavelength is equals to c by frequency mu, c हमें 3×10^8 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है ये 8×10^15 हमारे पास कितना होता है frequency, तो हमारे पास जो solve करने के wavelength associated in nanometers, तो ये हमारे पास wavelength जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0.4×10^-8। ठीक है, तो 10^-7 -7। ठीक है, सॉरी 10^-7 आएगी, तो 0. तो इसको हम नैनोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10^8 15। तो कितना आएगा? 400×10^-9 मीटर्स। तो 410^-9 मीटर्स आएगा इसका आंसर। तो ये हमारे ये आएगा, इसका आंसर आएगा 0.39×10^-7। और जब इसको हम ऑलमोस्ट 39×10^-9 आएगा तो ऑलमोस्ट 40 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40 यानी 4×10^2। ठीक है, 4×10^2 होगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस लार्जेस्ट इन। तो ये क्या होगा? आयोडीन I2 के फॉर्म में होती है, इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा? 127/127×2×2। तो ये कितना आएगा हमारे पास? कितने मोल्स हो गए एटम के? 1 मोल हो गया एटम का। ठीक है, उसके बाद 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने होंगे? 48/24, 2 मोल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन के अंदर कितना होगा, कितने होंगे क्लोरीन के अंदर? 71/35.5×2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 मोल्स।
ठीक है, और हाइड्रोजन केस में फोर डिवाइडेड बाय 71 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 2, तो कितना आएगा 2 मोल्स। ठीक है, यहां पर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये किसके बराबर आएगा 4 मोल्स। तो जो मैक्सिमम मोल्स है एटम के वो किसके हैं, किसमें हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइडेंटिफाई M1, M2, M3, M4 अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, हमें बता रहे हैं M1, M2, M3, 4, 4, M3, M4, लिथियम सोडियम पोटेशियम वीडियो में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। अब यहां पर हमें दिया है M1, M2, M3 और M4 हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी दी है वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, h nu - h nu naught। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, ये पूरा जो होता है हम कहते हैं कि अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास होती है न्यू नॉट की, मतलब जो हमारे पास वो होता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो हमें पता है कि जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा ही होगी, कि उसको इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए उसको ज्यादा चाहिए होंगे। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो हमारे पास जो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो न्यू नॉट हमारा डिक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप न्यू नॉट डिक्रीज होगा M1, M2, M3, 4, M3, M4 के केस में। हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या, मतलब की जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, M4 की सबसे ज्यादा है, फिर M3 की, फिर M2 की, फिर M1 की, और हमें पता है कि M डाउन द ग्रुप न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। तो ये जो डिक्रीज कर रही है मतलब ये जो है हमारे पास वो कौन होगा, मतलब ये लिथियम होगा, फिर ये कौन होगा सोडियम, फिर ये पोटेशियम और फिर रुबीडियम। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, रुबीडियम। सेकेंड एलिमेंट जो M2 है वो क्या है हमारे पास, पोटेशियम, फिर M3 सोडियम, फिर लिथियम, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 94 क्वेश्चन भी हो गया। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecule is, ठीक है, तो ratio of number of their molecule is, देखो masses, तो देखो number of molecules, ठीक है, अब देखो masses दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का जो वेट है वो W मान लेते हैं, और जो नाइट्रोजन होगी उसका कितना होगा हमारे पास 4W। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास वो कि 32 होता है इनटू Na। ठीक है, वही नाइट्रोजन के केस में कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। हमें इसका फर्स्ट इज टू सेकेंड का, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन टू इसका रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये सब कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/32 इंटू 4/28। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 7 से कट गया तो 7/32, 7:32 हमारा आएगा आंसर होगा इसका। ठीक है, 7:32 जो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट, An atom of an element weighs 6.644 10^-23 gram. Calculate gram atoms of elements in 40 kg. तो क्या होगा? Gram atoms means हमें क्या बताने हैं, moles. ठीक है? Gram of atoms का मतलब होता है gram. Atoms को gram के form में represent करना. Gram atoms का मतलब होता है
मोल्स में रिप्रेजेंट करना, ठीक है? तो ये मोल्स में रिप्रेजेंट करना है और ये इसका मतलब अलग अलग होता है। तो ग्राम एटम्स मोल्स में, तो हमें मोल्स बताने हैं 40 केजी के अंदर। देखो कैसे, तो एक एटम का इतना ग्राम है, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उसमें रिप्रेजेंट करेंगे एएमयू में, ठीक है? तो एएमयू में क्या हमें पता है कि वन एएमयू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-27 केजी, ठीक है? यहां पर 7 केजी, ठीक है? और हमें यहाँ पे कितना दिया गया, 6.644। तो यहाँ पे मतलब 1 केजी या फिर 10^-24 ग्राम लिख देते हैं घर। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1U 1.6 इन 10^-24, और हमें कितना ग्राम दिया है, 6.64 10^-23। तो इनटू कितना होगा ये, 1 × 6.64 इंटू 10^-23। तो ये इसको ऑलमोस्ट 4 पे कट जाएगा ये, ठीक है? तो 4 × 10^ कितना आ जाएगा ये, मतलब 40 आ जाएगा ये, ठीक है? तो 40 हमारे पास क्या होगा, इसका मोलर मास होगा। और हमें ग्राम एटम्स बताने 40 केजी में, मतलब मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000 ग्राम एटम्स, ठीक है? तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। देखो एस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाय टू। फॉर एस एल की वैल्यू कितनी होंगी, जीरो, तो इसके बराबर हो जाएगा जीरो इंटू एच बाय टू पाई, यानी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज पेडल्ड कमर्शियली इज 95% एस्ट्रेस सपोर्ट बाय वेट। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस कमर्शियल एसिड इज 1.834 द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखो ये आपका होमवर्क है, मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, 3-4 इस पहले भी मैंने क्वेश्चंस लिए, तो ये आपका होमवर्क है, मतलब ये आपको आना चाहिए, ठीक है? अब देखो इसको वैसे जैसे मैंने कराया था, एक बार वैसे ट्राई करने की कोशिश करना, और मैं इसके बैंक फॉर्मूला ही बताता हूं। मोलैरिटी रहने दो, अभी नहीं, वो जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? तो ये आपको मैंने सो ऑलरेडी बता दिया कि आपको ये कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने 2-3 पहले भी कराए हुए, तो वैसे ही सेम टू सेम आपको प्रोसीजर रिपीट करना, और ये वाला क्वेश्चन अब आ जाना चाहिए आपको, ठीक है? अगर नहीं आया तो जो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, एक बार और अच्छे से इसको एक बार देखना और फिर दोबारा करना, ठीक है? नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। Dissolve 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.1.15 ग्राम पर एमएल। देन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ऑलमोस्ट जैसे पहले क्वेश्चन से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर आपने क्या करना है, 95 ग्राम एस्ट्रेस ऑफ फोर लेना है और 10 ग्राम वाटर ले लेना है, ठीक है? यहाँ पर मैं गिवन है, तो ये और ये सेम है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन, और मैंने पहला भी डिस्कस कर चुका हूँ ऐसा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% H2 सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है? रिएक्शन क्या होती है, AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3, और ये क्या होता है, स्लाइटली येलो प्रेसिपिटेट होता है, कलर की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्लाइटली येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अब हमें क्या बताना है, 50 ml इतना और 50 ml इतना परसेंट सॉल्यूशन है, ठीक है? अब देखो, ठीक है, 50 ml मतलब 16.9% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 16.9 ग्राम इन 100 ml, 100 ग्राम या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मान लो, ठीक है? लेकिन हमें कितना दिया, 50 ml है, ठीक है? वैसे ही इससे केस में भी वही चीज है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेट हमें AgNO3 का गिवन है वो कितना होगा,
16.9 बाय टू और ये कितना होगा 5.8 बाय टू, ठीक है। तो ये कितना होगा 16.9 बाय टू, ये कितना होगा 16.9 बाय टू और ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये सॉरी सॉरी ये कितना होगा 55.8 बाय टू। ये ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आएगी किसके बराबर, मतलब इसके मोल्स, ये तो क्या हो गया हमारे पास वेट, मोलर मास कितना आएगा AgNO3 का 169, NaCl का कितना आएगा यहाँ से 58.5, तो इनका जो मोल्स आएंगे वो ऑलमोस्ट किसके बराबर आएंगे 0.05 के, 0.05 के। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो NaCl कितना बनेगा हमारे पास 0.05 मोल्स, ठीक है। तो AgCl का मोलर मास निकालें और फिर क्या करें, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल 0.05 मोल्स, वेट को आप 0.05 मोल्स इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर 7 ग्राम ही आएगा, एक बार इसको चेक करना, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 ग्राम, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट 2023 बैच के लिए हुआ था, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था इस टेस्ट सीरीज में, और हमारा फर्दर आगे टेस्ट होंगे तो और देखते देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।